हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स। ना सिर्फ प्रीलिम बल्कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा आप देख रहे हो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, असल में कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं किया है। इन 1973 में केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के तहत जजमेंट दिया गया कि ये एक लिस्ट दी गई, एक सूची दी गई कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो पहले मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रखता हूँ कि ना फंडामेंटल राइट बी अमेंडेड और व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ पार्लियामेंट पावर या एग्जीक्यूटिव के लिमिटेशन क्या है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जरा सी आपको एक इंपॉर्टेंस बता दूँ। ड्यूरिंग दिस कोरोना काल ऑफलाइन जो मोस्टली कोचिंग क्लासेस है इंडिया की सब, देखिए 5 से 18 अगस्त में अनअकैडमी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहाँ पर देखिए कि ऑफ़र चल रहा है। वो ऑफ़र है क्या कि उससे पहले बता दूं कि हमारा मिनी मॉक टेस्ट, देखिए कंटिन्यूस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कंटिन्यूस असेसमेंट होना ज़रूरी है। तो इसी के तहत डेली 1:45 में मेरे लेक्चर्स आते हैं अनअकैडमी पे, मिनी मॉक टेस्ट लेकर आता हूँ। बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में होता है, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दूसरी चीज़ बता दूँ कि अनअकैडमी दैट्स वन ऑफ द ऑसम प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपेरेशन के लिए जो कि आपकी प्रिपेरेशन को बहुत ही लूसिड, बहुत ही आसान बनाता है। ओके, जहाँ पे देखिए आपको ए टू जेड गाइडेंस मिलेगा, ए टू जेड कम्प्लीट सिलेबस कवर है। जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए आपको 3 मरहलों से गुजरना पड़ता है, 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है, वो है आपका प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू एंड ऑप्शनल। तो ये ए टू जेड प्रिपेरेशन होगा। इसका फीस आप देख सकते हो कि 77,000 था, लेकिन राइट नाउ अनअकैडमी इज गिविंग फ्लैट 27,500 इंस्टेंट डिस्काउंट, 27,500 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि आपको सिर्फ मात्र 49,679 ही पे करना है। ओके, इसके अलावा देखिए एक को मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप चार्ट देख सकते हो कि बैचेस वर्थ 1.25 लाख, 1.25 लाख मेन टेस्ट सीरीज, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, टोटल जो कॉस्ट होता है 2,30,000 का होता है, बट अनअकैडमी इज चार्जिंग जस्ट 57,500, राइट। इसमें आपका प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कवरेज किया जाएगा, प्लस साथ ही साथ में प्रीलिम की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी होगी। यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म और हर एक चीज़ आपको अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा ये कोड आप नोट डाउन कीजिए MIYT10, इसके डालते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ओके दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हो कि 30,000 की टेस्ट सीरीज, जिसमें प्रीलिम के 50 टेस्ट सीरीज, मेंस की 30 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप देख लीजिए कि ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि जो एक साल का कोर्स रहेगा वो एक साल का नहीं बल्कि एक साल से ज़्यादा ड्यूरेशन का रहेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक साल का भी कोर्स सब्सक्राइब कर रहे हो तो कि मेंस 2022 तक के वैलिड रहेगा। जाहिर सी बात है, मेंस तो ये अभी कोरोना काल की वजह से साल डेढ़ साल बाद ही हो रहा है। इसके अलावा 10,000 के 20 बुक जो कि रिलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, टोटली फ्री मिलेगी एक साल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन करोगे तो आप। ओके, तो दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी, यू कैन इनरोल नाउ। सो नोट डाउन दिस कोड MIYT10, दिस इज़ अवर कोड MIYT10। ओके, इसके डालते ही आपको 10% एक्सटेंड डिस्काउंट मिलेगा। ओके, जो कि 2,30,000 का जो कोर्स का फीस है, आपको सिर्फ 57,000 ही पे करना है। उस पर सोने पे सुहा का मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू लोन्स ऑल्सो, यानी कि अगर आपको लगता है कि 57,000 ज़्यादा अमाउंट है तो आपको हर महीना भी पे करने की बोलना चाहिए सहूलत दे रहा है अनअकैडमी। यानी 57,000 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, हर महीना EMI 4,600 समथिंग बैठेगा, वो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कट जाएगा। या अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी है तो आपको अनअकैडमी से कांटेक्ट कीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करके देगी। आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट भी है तो भी आपके लिए ये सुविधा अवेलेबल है लोन्स। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए आर्टिकल 13 गिव्स द पावर टू द कॉमन पीपल, और वी कैन से द गिव द पावर टू द जुडिशियरी। ओके, न्यायालय को पावर दे रहा है, जबकि आर्टिकल 368 के तहत रूलिंग गवर्नमेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रूलिंग गवर्नमेंट किसी भी मुद्दे को, किसी भी आर्टिकल्स को, किसी भी प्रोविजन को संविधान के अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
सो आर्टिकल 13 सर्व एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट वाइल आर्टिकल 368 होल्ड्स द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अब ये बता दूँ आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368 ये चलता रहा 1973 तक, आज़ादी से लेकर 1973 तक चलता रहा. और फाइनली केशवानंद भारती ने जजमेंट दिया कि हम एक सूची दे रहे हैं आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर जो जो है, जैसे सेकुलर कैरेक्टर, फेडरल कैरेक्टर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, ये जो हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पार्लियामेंट, इसको एग्जीक्यूटिव अमेंड नहीं कर सकता है. सो कैन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बाय पार्लियामेंट? आंसर इज यस. कैन द प्रियम्बल अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट? यस. प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल जो है हमारा संविधान का हिस्सा है, सो इट कैन बी अमेंडेड, उसमें संशोधन हो सकता है. कैन द फंडामेंटल राइट अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट? यस, डेफिनेटली. सो नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं. पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग बेसिक फीचर. थर्ड, प्रेसिडेंट ऑर्डर और ऑर्डिनेंस इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. तो एक क्वेश्चन है, इसको एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ. ओके, तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन पकड़ना है. तो देखिए यहां पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है. क्या पकड़ना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, तो देखिए इसका इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हो. ओके, अब मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ. इसका आंसर जो रहा है डी है 1, 2, 3, तीनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एनी पार्ट हर किसी को कर सकता है? नो, विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर. सेकेंड, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग बेसिक फीचर, ये भी रॉन्ग है. थर्ड, प्रेसिडेंट ऑर्डर और ऑर्डिनेंस इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. अब ये जुडिशियल रिव्यू, जैसे कि मैंने बताया आपको आर्टिकल 13 के तहत अगर आपका फंडामेंटल राइट, अगर रूलिंग गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर रही है, जैसे कि रूलिंग गवर्नमेंट ने 2016 में इंजैक पास किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हो, या आधार को मैंडेटरी पास किया, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया. यानी सुप्रीम जुडिशियल रिव्यू, इट इज़ द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी इट इज़ द पावर ऑफ द जुडिशियरी, इट इज़ द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट. यानी रूलिंग गवर्नमेंट के जरिए अगर कोई कानून बनाया जा रहा है और वो संविधान के खिलाफ जा रहा है, संविधान के प्रोविजंस के खिलाफ जा रहा है, तो जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके पास पावर है कि उसको स्ट्रक डाउन करे, उसको निकाल फेंके. तो एनजैक को सुप्रीम कोर्ट ने निकाल फेंका, आधार को मैंडेटरी गवर्नमेंट ने पास किया था, यानी पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, उसको निकाल फेंका जुडिशियरी ने. तो दैट प्रेसिडेंट ऑर्डर इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियरी. थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.